रमजान शुगर मिल्स केस की समाअत शहबाज शरीफ से मुलाकात पर अदालत ने अजमा बुखारी को अदालत से बाहर भेज दिया। रमजान शुगर मिल्स केस की समाअत शहबाज शरीफ से मुलाकात पर अदालत ने अजमा बुखारी को अदालत से बाहर भेज दिया, जिसने शहबाज शरीफ से दरियाफ्त किया कि आपकी तबीयत कैसी है, जिस पर सदर नून लीग बोले कि उनकी तबीयत ठीक नहीं। अदालत के बाहर लीगी कारकुनों की पुलिस अहलकारों से झड़प, एक कारकुन जख्मी। सिंध हाईकोर्ट का लापता अफराद की बाजाबी केस में महकमा दाखिला की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। जस्टिस नेमतुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि ऐसी रिपोर्ट से हम मुतमईन नहीं होंगे, पेशरफ्त न हुई तो रोजाना सेक्रेटरी दाखिला को बुलाकर अदालत में खड़ा करेंगे, कमसिन आसिमा बाजियाब न हुई तो तफ्तीशी अफसर को जेल भेजेंगे। सादिक संजरानी या यूसुफ रजा गिलानी, चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए वोटिंग कल होगी। 12 मार्च को सुबह नए मुंतखब सेनेटर्स हल्फ उठाएंगे। सिपहर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब होगा, इंतखाब खुफिया राय शुमारी के जरिए होगा। पंजाब में एक मरतबा फिर उखाड़ पिछाड़ तैयार, अहम इंतजामी तब्दीलियां मतवक्के। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को आज इस्लामाबाद बुला लिया। गवर्नर चौधरी सरवर भी इस्लामाबाद चले गए। वज़ीर आला पंजाब का स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही से टेलीफोनिक रब्ता। रहमतों और बरकतों वाली रात शबे मेराज आज अकीदत और एहतराम से मनाई जाएगी। मुसलमान रात भर इबादत करेंगे, गुनाहों की माफी मांगेंगे। मुल्क भर की मसाजिद को बरसे कुमकुमों से सजा दिया गया। इखलाकी कुव्वत के बगैर रियासतें इंसाफ फराहम नहीं कर सकती, इखलाकी इन्हितात और करप्शन ने रियासतें तबाह की। वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहले कई कौमें तबाह हुई, रियासत में इखलाकी कुव्वत खत्म हो जाए तो ताकतवर मुजरिमान से NRO शुरू हो जाते हैं। सिनेट इलेक्शन जाहिर करते हैं किस तरह इखलाकी इक्तदार को रोंदा गया। ऑडियो कैसेट टेप के बानी लुइस एटन 94 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। लुइस एटन लंबे अरसे तक नीदरलैंड की इलेक्ट्रॉनिक और टेक्नोलॉजी कंपनी फिलिप्स से मुंसलिक रहे। लुइस एटन को ने कॉम्पैक्ट डिस्क बनाने में भी किरदार अदा किया।